हेलो दोस्तों, माय न्यूट्रिश यूट्यूब चैनल पर आपको फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ विंडोज़ कंप्यूटर के बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ट्रिक शेयर करने वाले हैं। सीएमडी का ट्रिक है ये दोस्तों। तो अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस ट्रिक के बारे में पता नहीं है। तो ये ट्रिक क्या है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मान लीजिए आप अपने गूगल क्रोम या फिर यूट्यूब वगैरह को ओपन करते हैं तो आपको माउस को ले जाकर ओपन करना पड़ता है। ये भी बहुत इजी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सीएमडी को यूज करके कोई भी वेबसाइट यूट्यूब गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपेरा ब्राउज़र ओपन करेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ट्रिक है और सीखने के लिए आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। उतना काम का नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपर्ट बनना है तो आप इस ट्रिक को सीख सकते हैं। तो चलिए एक काम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपको अपने सीएमडी को यूज करके गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, या फिर कोई भी वेबसाइट या फिर यूट्यूब को या फिर कुछ भी ओपन करना है ब्राउज़र में, तो आपको ब्राउज़र ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीएमडी से कुछ कमेंट टाइप करके ये काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सीएमडी ओपन करना है। सीएमडी ओपन करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर कीबोर्ड से विंडोज़ प्लस आर को टाइप करना है, एक साथ प्रेस करना है। उसके बाद आपको इधर लिखना है सीएमडी, उसके बाद एंटर करना है। तो आपके सामने इस तरह जो है कमांड प्रॉम्प्ट मतलब सीएमडी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आपको जो करना है, आपको टाइप करना है सबसे पहले स्टार्ट लिखना है, START स्टार्ट। उसके बाद आपको स्पेस देना है। उसके बाद आपको अगर क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है तो आपको CHROME क्रोम लिखना है। उसके बाद आपको एंटर करना है। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया है। तो मैं क्रोम ब्राउज़र को क्लोज कर देता हूँ। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्रोम ब्राउज़र से अगर आपको यूट्यूब ओपन करना है, कोई वेबसाइट ओपन करना है, तो आपको कैसे करना है। तो मान लीजिए आपको यूट्यूब ओपन करना है, तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ START स्टार्ट, उसके बाद स्पेस, उसके बाद CHROME क्रोम, उसके बाद स्पेस, उसके बाद आपको YOUTUBE YouTube.com लिखना है इस तरह, उसके बाद ओके, ठीक है। तो आप देखेंगे कि डायरेक्टली क्रोम ब्राउज़र से आपका YouTube.com ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप क्रोम ब्राउज़र को यूज करके, आप जो है CMD को यूज करके क्रोम ब्राउज़र के माध्यम से YouTube को ओपन कर सकते हैं। अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। सिंपली आपको लिखना है START स्टार्ट स्पेस CHROME क्रोम, उसके बाद स्पेस, उसके बाद अगर आपको वेबसाइट ओपन करना, जैसे कि मेरा वेबसाइट है myhinditricks.com, मैं उसको ओपन करना चाहता हूँ myhinditricks.com, उसके बाद एंटर। तो आप देखेंगे कि डायरेक्टली गूगल क्रोम ब्राउज़र से myhinditricks.com जो मेरा वेबसाइट है वो ओपन हो रहा है इस तरह से। तो दोस्तों, इस तरह आप इजी तरीके से सीएमडी को यूज करके कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस ट्रिक के बारे में पहले से पता नहीं था। अगर आपको इस ट्रिक के बारे में पहले से पता नहीं था तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह का इंटरेस्टिंग कंप्यूटर मोबाइल इंटरनेट टिप्स एंड ट्रिक्स पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।